नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कोल ब्लॉक को लेकर लगातार जो विवाद चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं एक ऐतिहासिक फैसला उसमें सुना दिया है। सवाल यह है कि लगातार 1993 से लेकर 2010 तक जिस तरीके से आवंटन होता रहा कोल ब्लॉकों का, उससे नुकसान जो प्राकृतिक संसाधनों का हुआ है, उसका जवाब या उसका उत्तरदायित्व कौन है? यूपीए सरकार की बात कर ली जाए या एनडीए सरकार की बात कर ली जाए, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि अब जिस तरीके से यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला दिया है, उसके बाद आगे किस तरीके की नीतियां अपनाई जाएंगी, क्या यह फैसला एक मील का पत्थर साबित होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोयला घोटाले पर सुप्रीम फैसला, 214 गैर कानूनी कोयला खदानों का आवंटन रद्द हुआ। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत या आफत, सबसे बड़े कोर्ट ने आवंटनों को रद्द किया। कोर्ट ने कहा लापरवाही और बगैर दिमाग लगाए किए गए आवंटन। खदानों को बचाने के लिए सरकार की कोशिश नाकाम रही। कोयला खदानों को बचाने के लिए दिए जा रहे थे अजीब तर्क, क्या गैर कानूनी आवंटन रद्द होने से अब अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा? कोल आवंटन रद्द होने पर शेयर बाजार का रुख कैसा होगा? क्या होगा अब कोल ब्लॉक में काम करने वाले मजदूरों का? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त इन तमाम कोल ब्लॉक आवंटनों के आवंटन करने को रद्द ठहराया था, या रद्द नहीं किया गया था, तब तक इनको अवैध ठहरा दिया गया था, तब तमाम उन कंपनियों की तरफ से दावा किया जा रहा था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। कई तरीके के तर्क, विहीन तर्क दिए जा रहे थे। सवाल यह है कि क्या अब इससे शेयर मार्केट पर कुछ फर्क पड़ने वाला है, या जिस तरीके से कंपनियों ने यहां पर दावा किया था कि उनका लाखों का करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, पैसा डूब जाएगा और उससे कहीं ज्यादा नुकसान यहां पर अर्थव्यवस्था को हो सकता है, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं निराधार साबित हुई हैं। और सवाल यह है कि क्या अब जिस तरीके से यह फैसला सामने आया है, इससे किसका मुंह काला हुआ है, आखिर कालिक किसके चेहरे पर लगी है? खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, चंद्रशेखर राय साहब बीजेपी की तरफ से मेरे साथ मौजूद हैं और सुदर्शन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर नवीन पांडे जी मेरे साथ है। राय साहब, सवाल आपसे ही शुरू करते हैं। 1993 से लेकर 2010 यानी यूपीए के साथ साथ एनडीए पर भी क्वेश्चन मार्क है, ये कालिक किसके चेहरे पर पुती? देखिए, भारत सरकार की तरफ से जो कोर्ट में हमारे वकील पेश हुए हैं, उन्होंने बाकायदा इसके लिए कहा है कि जो भी इस तरह के आवंटन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जिसको गलत मानती है, निश्चित रूप से भारत सरकार भी इसका पक्ष में है कि उसको आवंटन रद्द कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत प्रक्रिया निभाई गई है और जो गलत चीज है वो गलत है, उसके लिए भारत सरकार भी प्रतिबद्ध है कि जो गलत है उसको रद्द करना चाहिए। तो इसमें कहीं से भी भारत सरकार इसका पक्ष लेने के पक्ष में नहीं है कि जो चीज गलत हुई उसको हम लोग सही जायज ठहरा रहे हैं। तो इसमें कालिक पोतने की जहां तक बात है, जो निर्णय कांग्रेस के समय में गलत हुए हैं वो निश्चित रूप से गलत थे, और उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, उसके अंदर कोल मंत्री भी शामिल है। दोनों घोटाले पर सवाल उठ रहे हैं ना। सवाल ये है कि उन 2010 तक, 2004 के बाद से जो आवंटन हुए सबसे ज्यादा हुए, कांग्रेस के एक हिस्से में कहा जा सकता है कि ज्यादा हिस्सेदारी इस पूरे मामले में आई है, लेकिन एनडीए के शासनकाल जो 1998 से लेकर 2004 तक रहा, सवाल उस घेरे में भी है। प्रधानमंत्री का ये कहना है, अगर आपने प्रधानमंत्री की अभी नहीं, अगर पहले की भी बात सुने, जिस समय चुनाव का समय चल रहा था और आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पे एक बात कही थी कि अगर भ्रष्टाचार करने वाला आदमी अगर भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो या कांग्रेस का सांसद हो, वो पहले व्यक्ति होंगे उस व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करने के लिए। उन्होंने बाकायदा ये भी कहा कि हम स्पेशल कोर्ट बनाएंगे और इस कोर्ट के तहत जो भी आदमी इसके अंदर आएगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब निर्णय चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आया है कि जो आवंटन गलत हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोर्ट ने बाकायदा जुर्माना लगाने की बात कही है, उसका फैसला भारत सरकार सरमाथे पे लेती है और जो निर्णय ले गए हैं उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। बिल्कुल। सवाल यह है कि जिस तरीके से यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला आया है, इसके बाद क्या वो तमाम कंपनियां जो कहीं ना कहीं इसके बाद उनका एक चेहरा सामने आया है,
उन पर लगाम लगेगी। एक जिस तरीके के स्कैम सामने आए हैं लगातार, उन स्कैम के सामने आने के बाद, चाहे वो 2G घोटाला रहा हो या अब कोल ब्लॉक आवंटन का घोटाला रहा है, इन तमाम घोटालों के रुकने में कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट देखिए और आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और किस तरीके से सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 को छोड़कर बाकी सभी 214 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द किए। कोल ब्लॉक आवंटन रद्द होने का श्रेय लेने में जुटी पार्टियां। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में 1993 से 2010 के दौरान आवंटित किए गए 218 कोल ब्लॉकों में से 214 के आवंटन को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उन 4 ब्लॉकों के आवंटन रद्द नहीं किए हैं जो सरकारी उपक्रमों के बीच ज्वाइंट वेंचर से आवंटित हुए थे, तो वहीं जिन कंपनियों की खदानों के आवंटन रद्द किए गए हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपना कारोबार समेटने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस RM लोढ़ा की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि जिन ब्लॉकों में उत्पादन चालू है या उत्पादन चालू होने वाला है वे अगले 6 महीनों तक मौजूदा प्रबंधन के पास ही रहेंगे। जब तक केंद्र सरकार इनके फिर से आवंटन पर कोई फैसला नहीं ले लेती है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तत्कालीन सरकारों और स्क्रीनिंग कमेटियों के फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सारे आवंटन मनमाने ढंग से किए गए। तो उधर सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि जो कंपनियां फिलहाल खदानों से कोयला निकाल रही हैं, वे अगले 6 महीने यानी 31 मार्च 2015 तक इसे जारी रख सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें 295 रुपए प्रति टन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। देखिए, फैसला वेलकम है, फैसला कोर्ट के पिछले जजमेंट पे बेस्ड है। 25 अगस्त के फैसले में कोर्ट ने कहा था कि सब कुछ रद्द किया जाए, सारे कैंसिल किए जाए, सारे इलीगल हैं। उसके बाद कोर्ट ने सबको सुना, सबने अपना मुद्दा कोर्ट के सामने रखा और फाइनली आज के फैसले से ये क्लियर है कि कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के बयान को, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैंड को माना है और ये माना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आगे चलना चाहती है, पुरानी पिक्चर नहीं देखना चाहती। तो कैंसिल करने के बाद जो ऑक्शन होगी, ऑक्शन से जो होगा प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी से होगा, कोर्ट ने सिफारिश कर दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोल ब्लॉकों का आवंटन रद्द न करने की कोई वजह नहीं है। सेल, NTPC और सासन अल्ट्रा मेगा बिजली प्रोजेक्ट को आवंटित कोयला खदानों को निरस्त करने की कार्यवाही से बख्श दिया गया है। तो उधर 218 में से 40 खदानों में से कोयला निकालने का काम शुरू हो चुका था और 6 की तैयारी शुरू हो गई थी, तो वहीं 172 कोल खदानों में अब तक कोयला निकालने का काम शुरू भी नहीं हुआ है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में उसकी टिप्पणियों का कोल ब्लॉक आवंटन मामले में हो रही CBI की जांच पर कोई असर नहीं होगा। तो वहीं इस महीने 1 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान भारत सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि कोर्ट सारे आवंटन रद्द कर देता है तो भी सरकार तैयार है, लेकिन हो सके तो उन 46 ब्लॉकों को छोड़ दिया जाए जिनमें से कोयला निकालने का काम शुरू हो चुका है या होने वाला है। तो वहीं 9 सितंबर को सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा कि सारे आवंटन रद्द कर दिए जाए और उन्हें कोल इंडिया के हवाले किए जाए या 2G स्पेक्ट्रम की तर्ज पर जब तक नए आवंटन नहीं होते 46 कोल ब्लॉकों को चलने दिए जाए, 46 कोल ब्लॉकों को चलने दिया जाए। तो उधर इस मामले के याचिकाकर्ता ML शर्मा ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक के ऊपर फाइनल ऑर्डर सुना दिया है और अकॉर्डिंग टू द जजमेंट प्रोनाउंस बाय द सुप्रीम कोर्ट, जितने भी कोल ब्लॉक हैं सारे कैंसिल कर दिए गए हैं, किसी भी कोल ब्लॉक को बख्शा नहीं गया है। वो कोल ब्लॉक जो कि माइनिंग कर रहे थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया है।
केवल वो कोल ब्लॉक जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग कर रहे थे, केवल चार कोल ब्लॉक माइनिंग कर रहे थे, जिनमें एक बंद है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिट थी, जिनमें कोई भी ज्वाइंट वेंचर नहीं था, केवल उन चार कोल ब्लॉक को रोका गया है। अवैध और गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद भी कोयला ब्लॉकों का आवंटन क्यों रद्द न किया जाए, इसका सबसे बड़ा तर्क दिया गया कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। तर्क दिया जा रहा है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने आवंटन को अवैध घोषित किया, शेयर मार्केट का बुरा हाल हो जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार और कोर्ट शेयर मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से अपने फैसले लेगी, या देश की अस्मिता को बचाने और कानून का राज स्थापित करने के लिए फैसले किए जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भले ही कुछ भी हो, इस पर पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए गणेश पाठक की रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले से कहीं ना कहीं कंपनियों को झटका लगा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आगे पॉलिसी रिवाइव की जाएगी, और सवाल यह है कि इस तरीके के घोटालों का उत्तरदायी कौन है, जवाबदेही किसकी बनती है, कालिक किसके चेहरे पर पुती है। नवीन जी, आपको क्या लगता है इस फैसले के बाद, जिस तरीके से फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दिया है, इसके बाद कालिक किसके चेहरे पर पुत रही है, सरकार की या कंपनियों की? देखिए समेत बहुत ऐतिहासिक फैसला है और ये माने कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये फैसला बहुत मील का पत्थर साबित होगा। आखिरकार इस फैसले को इस नजर से देखिए, एक तरफ पूरी अर्थव्यवस्था की सारी लॉबिंग हो रही थी, बैंकिंग सेक्टर, पावर सेक्टर और सरकार में बैठे लोग भी तमाम तरह से ऐसे फैसले आना देना चाहते नहीं थे, लेकिन बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला देकर बहुत ही बड़ा काम किया है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर जो होने वाला है, पूरी दुनिया में संदेश गया है कि हिंदुस्तान में आप कितना बड़ा घोटाला कर लीजिए, कितनी बड़ी गड़बड़ी से कुछ हासिल कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप पे कार्रवाई होगी और उस दिन आपको वापस करना पड़ेगा। अभी तो इसमें जांच होगी, जो सीबीआई जांच कर रही है वो जिसपे हाथ रखेगी, जो इसके लिए जिम्मेदार साबित होगा उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि होगी। लेकिन जो जो जिस तरह से आवंटन रद्द हुए हैं और पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए हैं चार को छोड़कर, ये बहुत बड़ी बात है और आखिरकार इसने जता दिया है कि जो है यहां पर आप जो है अर्थव्यवस्था में बहुत दबाव डालकर, सरकार पर दबाव डालकर, ये लगातार ये कहा जा रहा था, बिल्कुल जो बड़ी कंपनियां उनके चेहरे सामने आने की वाली बात है। हाँ, ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, आप यकीन मानेंगे 10 लाख करोड़ का जो घोटाला है ये टेलीकॉम घोटाले से 4-6 गुना करीब ज्यादा है। तो जिस तरह से बंदर बांट की गई औने पौने दामों पर, बिल्कुल बिना देखे सुने जो है सरकार ने, खास तौर से यूपीए सरकार ने 2006 से 2009 के बीच में जो आवंटन की, पूरी तरह बंदर बांट की गई, जो भी आया, जिसको भी आया, जिससे भी संबंध थे, जिसने मांगा उसको दे दिए गए। अब सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हैं, सबको समझ में नहीं आ रहा, बैंकिंग सेक्टर परेशान है, उसकी बहुत तगड़ी पूंजी फंस गई है, उसने लोन दे रखा है, हालांकि उस लोन का इस्तेमाल कंपनियों ने कहीं और किया, लेकिन ये वाकई बहुत बड़ा नजीर साबित होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर नवीन जी कह रहे हैं राय साहब कि एक नजीर है इस तरीके के फैसले, क्या ये मील का पत्थर साबित होगा और ये वक्त है एक पॉलिसी रिवाइव करने का? निश्चित रूप से मैं नवीन जी की बात से 100% सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का एक जो पहले का जो चेहरा था उसमें बदलता हुआ चेहरा एक दिखाई देगा कि हिंदुस्तान में अब भ्रष्ट लोगों के लिए अब इतना आसान काम नहीं है जैसे कि पहले था कि भ्रष्टाचार कर लो और उसके बाद देखी जाएगी, कोर्ट में तो कुछ होना नहीं है, लंबा समय चलेगा। लेकिन जैसा कि नवीन भाई ने बताया कि इसके अंदर न केवल उन इंडस्ट्रीज का पैसा लगा बल्कि बैंकिंग और इसके संग पावर सेक्टर के अंदर जो अब अगला जो होने जा रहा है कि जो पावर सेक्टर को लेकर के लोगों ने ये जो घालमेल कर रखा था कोल और पावर सेक्टर का, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनेगा इसके अंदर। बैंकों का निश्चित रूप से कई हजार करोड़ का एनपीए आएगा इस आने वाले टाइम में, लेकिन कोर्ट ने कहा कि गलत प्रक्रिया से किए गए आवंटन किसी भी घाटे और फायदे के लिए नहीं है, जो गलत है वो गलत है, गलत प्रक्रिया ना अपनाई गई है, गलत लोगों को दिया गया है, लिहाजा इसको निरस्त किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार यहां बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, उनके लिए अटॉर्नी जनरल ने खड़ा होकर के एक बात कही कि साहब चूंकि ये 47 जो कोल ब्लॉक है इसके अंदर काम शुरू हो चुका है, इसकी प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन से कहीं ना कहीं बिजली कंपनियों को इससे मिल रहा है, अगर हो सकता है तो आप इसका कुछ दिनों के लिए इसको चलने दें। दूसरा उन्होंने ऑप्शन दिया था कि इसको आप कोल इंडिया को दे दीजिए, कोल इंडिया इसको चलाए, और अगर तीसरा नहीं होता तो जब तक कि नए आवंटन नहीं होते हैं तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको चलने दे, और जब नए प्रक्रिया शुरू होगी तो उसको करेंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसको निरस्त कर देना चाहिए तो उनके निर्णय को शरमाते पे लेते हैं, वो निरस्त करने के लिए तैयार बैठे हैं।
देखिए अब तैयार हैं आप लोग, जिस तरीके से ये कहा गया था कि 46 जो कोल ब्लॉक आवंटन है उनको रोका जाए, उससे कहीं ना कहीं बिजली संकट खड़ा हो जाएगा, तो लगता है आपको परेशानी आएगी अब सरकार के सामने? देखिए कुछ तो परेशानियां निश्चित रूप से आएंगी, लेकिन सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि इसको चाहे इंपोर्ट करना पड़े या दूसरी जगह से जहां से हमारा कोयला निकल रहा है हम उसको ज्यादा कैपेसिटी में बढ़ाएं और इंपोर्ट पर ज्यादा ध्यान देंगे हम कुछ, क्योंकि ये प्रक्रिया कोल माइनिंग की प्रक्रिया में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 46 माइन तो चलिए आप ऑपरेट कर रहे थे तो उसको 6 महीने चलाने के लिए उनको दिया गया और 6 महीने में वो प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लेकिन जो माइंस चली ही नहीं है उसका किस तरह से आवंटन होगा, क्या उसकी बोली की प्रक्रिया होगी, टेंडरिंग होगी, प्रोसेस बहुत लंबा होता है। दूसरा चीज क्या है कि माइनिंग करने के लिए जो हम लोग एक रॉ माइन को स्टार्ट करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं 1.5 से 2 साल का समय लगता है, तो वो प्रक्रिया भी शुरू होनी है। अब ऐसी स्थिति में भारत सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है इंपोर्ट पे? कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो गेंद है वो आपके पाले में छोड़ी है कि पॉलिसी अब जो है आप किस तरीके से, क्योंकि केंद्र में बीजेपी एनडीए की सरकार है, वो आगे किस तरीके से पॉलिसी को लेकर बढ़ते हैं। लेकिन यहां पर चंद्रशेखर साहब कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से सवाल ये उठाया जा रहा है कि बिल्कुल ये बात सही है कि सबसे ज्यादा अगर कोल आवंटित हुए हैं तो वो यूपीए के शासनकाल में हुए हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि आप लोगों ने ही सौगात में दिया था, उन्होंने ही उस चीज को आगे बढ़ा दिया। अगर आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं, आपने कुछ देर पहले भी कहा कि खुद नरेंद्र मोदी ने बात कही है कि अगर कोई इस तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एनडीए के शासनकाल पर भी सवाल उठे हैं, तो अब उस कार्रवाई का क्या वक्त आएगा अगर इस तरीके से संलिप्तता पाई जाती है? देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उसमें कोई लार लपट रहती नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सब पे कार्रवाई होनी है तो निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि होनी है, लेकिन अगर आप बात करें 2006 से और 2014 के बीच में तो जो आवंटन की प्रक्रिया अपनाई गई जिसका भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा विरोध किया कि नहीं साहब आप ये गलत प्रक्रिया माना है, उसके बावजूद मैं ये मानता हूं कि आप कहते हैं कि 1993 से लेकर के और अब तक के बीच में आप 98 से लेकर के 2004 की सरकार की बात कर रहे हैं, अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई है और सुप्रीम कोर्ट मानता है कि नहीं साहब हम तो सबको रद्द करने की बात करते तो उसके लिए तो निर्णय मैंने कहा कि सर माथे पर है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि 2006 से लेकर 2014 के बीच में जो कांग्रेस के टाइम में बंदरबांट हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में नहीं हुई थी इस तरह की, जिस तरह कि उन लोगों ने कोल ब्लॉक ऐसे ऐसे लोगों दिया है जिसका चाहे वो कपड़े का काम कर रहा हो, चाहे वो मशीनरी बेच रहा हो, एक रिश्तेदार निकल गया, किसी ने मंत्री का रिश्तेदार निकल गई है, एक मंत्री को तो इस्तीफा देना पड़ा है अपने पद से कि उन्होंने अपने भाई के लिए चिट्ठी लिखी है अगर आपको याद में हो, तो इस तरह की प्रक्रिया हुई है और यह कहीं ना कहीं इसके लिए आंदोलन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आंदोलन हुए कि इस कोल ब्लॉक के जो ये घोटाला है इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बनाया और लड़ी है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ में जब रही है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है उसमें सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का हाथ रहा है इसका, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मौका जरूर सरकार को दिया है जो 6 महीने का वक्त मिला हुआ है। लेकिन नवीन जी देखा जाए तो इसमें अब आगे की जो राह है वो कितनी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आपने अभी आपने कहा कि एक मील का पत्थर ये फैसला साबित हो सकता है। देखिए इस फैसले के बाद जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को फैसला दिया था और इन सारी कोल माइंस को जो है अवैध और गलत तरीके से लापरवाही से जो आवंटन का जो टिप्पणी की थी उसके बाद पूरे देश में ऐसा माहौल खड़ा किया गया जैसे कि सुप्रीम कोर्ट बहुत गलत करने जा रहा है, वो ऐसा कुछ करने जा रहा है जिससे अर्थव्यवस्था पूरा डूब जाएगी। और पिछले 2 दिन से शेयर मार्केट भी लगातार हो रहा, आज भी शेयर मार्केट बुरी तरह गिर रहा है, बैंकिंग और पावर सेक्टर के शेयर बुरी तरह गिर रहे हैं, लेकिन ये एक माहौल है। शेयर मार्केट का गिरना कई सारे कारणों पर डिपेंड करता है और केवल जो है इसके आधार पर किसी फैसले पर नहीं किया सकता, नहीं सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर नहीं जो है फैसला अपना बदल सकता है कि जो है शेयर मार्केट गिर जाएगा या अर्थव्यवस्था को, लेकिन ये सारे तर्क भी खोखले हैं। ये पूरा एक कॉकस है जिनके जो कोल ब्लॉक में जिनके इंटरेस्ट हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी पावर इतनी ज्यादा है, वो मीडिया में इन्वॉल्व है, वो हर सेक्टर में, वो सरकार में है, वो मोदी सरकार में भी दखल रखती हैं, वो इससे पहले की सरकारों में भी थी, उन्हें लगातार कोशिश की, इस तरह का माहौल देश में बना दिया गया कि देखिए अगर आपने कोयला या आवंटन रद्द कर दिया तो कोयला ही खत्म हो जाएगा, देश में अंधेरा हो जाएगा, बिजली नहीं मिलेगी, तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी सरकारों के सामने। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। 218 जो कोयला ब्लॉकों का आवंटन हुआ था उसमें से अधिकांश तो काम ही नहीं कर रही थी, और आप मात्र 46 जो कोयला खदानें जो काम शुरू कर चुकी थी उनको 40 और 6 जो काम जिनका काम शुरू हो चुका था कुल 46 है ऐसी, उनको सरकार ने 6 महीने का समय दिया है और ये 6 महीने का समय भी देने के बाद भी इन पे काम रोका नहीं जाएगा, 6 महीने बाद इनको कोल इंडिया को हैंडओवर किया जा सकता है। अब सरकार के ऊपर है वो इन 46 कोयला खदानों से कोल इंडिया के जरिए कोयला निकलवाती है या आगे चल के इनका किसी और को नीलाम करती है। यहां पर आवंटन दिया 6 महीने का वक्त। दूसरी बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसमें कि जो
कोयला यहां से निकाला जा रहा है केवल 7% का अर्थव्यवस्था पर असर है, 7% जो बहुत ही कम है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में। तो जो पूरा जो बितंडा खड़ा किया जा रहा है कि जो है पूरा देश में अंधेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब पूरी हाइपोथेटिकल चीजें, बिल्कुल हाइपोथेटिकल, ये माहौल क्रिएट किया जा रहा था जिसके दबाव में सुप्रीम कोर्ट आखिरकार नहीं आया, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल राय साहब, जिस तरीके से एक हाइपोथेटिकल चीजें क्रिएट की गई कि अर्थव्यवस्था जो है वो क्रैश हो जाएगी, शेयर बाजार डूब जाएगा, उन तमाम चीजों का सुप्रीम कोर्ट पर तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन इस फैसले के बाद इन तमाम कंपनियों का क्या होगा, इनके पास क्या विकल्प बचता है, क्योंकि जाहिर है सत्ता जो है आप लोगों के हाथ में है, तो अब आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाले हैं या कुछ ऐसी प्लानिंग की जाएगी इन कंपनियों पर कहीं ना कहीं लगाम कसी जा सके, क्योंकि एक लॉबिंग है जिस तरीके से कहा गया इन तमाम कंपनियों की। देखिए, जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उस फैसले से पहले भारत सरकार ने भी ये बात कही है कि सब रद्द होने चाहिए। दूसरी बात, जिस गलत तरीके से किसी भी सरकार के अंदर यह आवंटन हुआ है उसके लिए भारत सरकार कड़े कदम उठाएगी, उसके खिलाफ जांच निश्चित रूप से हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है, उसका फैसला भी आएगा। जहां तक अभी बात कर रहे थे नवीन जी की, इसका असर बिल्कुल नहीं होगा, मैं थोड़ा सा इनसे डिफरेंट हूं इस बात को लेकर के। मेरी जो जानकारी है, ये 46 कोल जो ब्लॉक थे उसमें भी अगर हम कहें कि 100% कोल अगर हमारे पास आ रहा था तो ऐसा नहीं था। नाराजगी सुप्रीम कोर्ट की उसके पीछे एक ये भी है कि वो पूरा पूरा कोल नहीं दे रहे थे, बल्कि उसमें से मैक्सिमम कोल वो लोकल मार्केट में बेच रहे थे, तो उन कंपनी पे तो जरूर असर आएगा, ये तो बात निश्चित रूप से कि जो जो उन लोगों के लिए जो रोजी रोटी चल रही थी उनका दिक्कत आएगी। लेकिन भारत सरकार के पास जितना कोल आ रहा था वो कोल अगर कम भी हो जाता है तो थोड़ा बहुत मैं ये मानता हूं कि 10% 5% का हमारे पर फर्क तो पड़ सकता है, जिसको हम अपनी पॉलिसी के तहत जो ये माइंस चल रही हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 6 महीने तक का प्रबंधन अपने पास रख करके इसको खींचिए, लेकिन वो प्रभाव तो नहीं होने वाला है जो एक बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्रैश हो जाएगी। जाहिर है उस चीज का उसका हमने आज असर देखा है कि कहीं ना कहीं शेयर बाजार में जो गिरावट आई, वापस आऊंगा आपके पास, गिरावट कई कारण, कई कारण हो सकते हैं उसके भी, बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो आज फैसला है उसकी वजह से हुआ है। हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वक्त दूंगा मैं आपको, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था और क्या कुछ इस मामले में आज तक हुआ है, एक रिपोर्ट देखिए। देश के बड़े घोटालों में से एक कोयला घोटाले पर देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर सुना दिया है, जिसमें 218 कोल ब्लॉकों से 214 कोल ब्लॉकों को रद्द कर दिया है। केवल 4 सरकारी कंपनियों के आवंटन को रद्द नहीं किया गया है। आइए जानते हैं कोल ब्लॉकों के बारे में जो रद्द हुए हैं। जिन 214 कोयला ब्लॉक रद्द हुए हैं उनमें से सिर्फ 40 खदानों में खनन हो रहा है और 6 खदानें खनन के लिए तैयार थी। कोयला खदान विकसित करने के लिए सभी कंपनियों को 3 से 4 साल का टाइम दिया गया था। देश में 2.5 लाख मेगावाट के बिजली प्लांट हैं, जिनमें सिर्फ 1.35 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। 2013-2014 में 54 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ, जिसमें सिर्फ 4 करोड़ टन कोयले का उत्पादन प्राइवेट कंपनी ने किया, बाकी 50 करोड़ टन सरकारी कंपनी कोल इंडिया ने किया। 15 जनवरी 2014 केंद्र सरकार के अंतर मंत्रालय समूह ने देश भर की 61 कोयला खदानों को नोटिस, इसके बाद 28 कोयला खदानों का आवंटन रद्द। जिंदल समूह ने मामले को अदालत में चुनौती देते हुए कहा कि खदान का आवंटन रद्द करने का कोई कारण नहीं था। प्रशांत भूषण का कहना था कि रिलायंस को कोयला बेचने की अनुमति दी गई थी और सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक इससे 29,000 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान हुआ। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोयला घोटाले से 1,86,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। जिन निजी कंपनियों के कोयला ब्लॉक रद्द हुए हैं उनमें एसआर पावर, हिंडाल्को, टाटा स्टील, टाटा पावर, जिंदल स्टील एंड पावर सहित 44 कंपनियों को विभिन्न राज्यों में कोयले की खाने दी गयी। 4 सितम्बर 2012 को सीबीआई ने पहली बार देश भर में 30 जगहों पर छापेमारी की। नवभारत पावर और उसके निदेशकों के खिलाफ 3 सितंबर 2013 को केस दर्ज किया गया। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, गगन स्पान, नालको, हिंडाल्को, एसकेएस, स्पान, नवभारत पावर सहित 16 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
सीबीआई अब तक कुल 27 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद सवाल यह उठता है कि अब आगे क्या होगा, आगे कौन सी पॉलिसी अपनाई जाएगी और जो लोग गुनहगार हैं उन्हें किस तरीके से यहां पर सजा मिलेगी। शहनवाज शेख कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। शहनवाज साहब, सवाल यह है कि आखिर यूपीए शासनकाल के अंदर भी, क्योंकि 1993 से 2010 की बात की गई है और सबसे ज्यादा अगर कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं वो यूपीए शासनकाल में हुए हैं, आखिर अब जिम्मेदारी किसकी है? यूपीए अपनी जिम्मेदारी मानने को या जवाबदेही मान रही है? देखिए, इस तरह के मामलों में जब भी नियम तय किए जाते हैं, 93 से कोल आवंटन जिस हिसाब से किए गए हैं और सरकारें, इस बीच एनडीए की सरकार भी रही, जनता दल की सरकार भी रही और उसके बाद यूपीए सरकार रही, तो हमें यह समझना चाहिए कि उस समय जिस तरीके के नियमों के आधार पे उस सरकारों ने कोल का आवंटन किया है और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको गलत ठहराया है या अपना जो भी फैसला दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें उस समय के हालात देखने होंगे, उस समय की जो हमारी जो सिचुएशन थी कि बिजली का जो उत्पादन हम लोग करते थे और आज हमारी जो बिजली की जो समस्या है उस पर कितना असर प्रभावित कर सकता है इस तरह का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, तो जो भी विशेषज्ञ लोग हैं उनको ये समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस टाइमलाइन वही है, यानी अब तक वही चीजें दोहराई जा रही हैं जो फैसले से पहले से दोहराई जा रही थी, यानी बिजली की समस्या या फिर आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है वो क्रैश होगी। नवीन जी, ये फैसला जो है ये इतना ही सीधा है क्या? ये इतना ही है सिर्फ कि यूपीए सरकार या वो सरकारें जो 1993 से 2010 तक रही हैं वो सिर्फ इतना कह दें कि पॉलिसी जो चल रही थी हमने उसे अडॉप्ट कर लिया? देखिए, बचाव में सरकारें तो अपनी बात कहती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो साफ बताता है कितने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई और बंदर बांट की गई। 2006 से जब मनमोहन सिंह जी के पास कोयला मंत्रालय का प्रभार था, पीएम के तौर पर भी, उस समय सबसे ज्यादा कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया, इसलिए कांग्रेस अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। हालांकि इसमें जो है एनडीए सरकार का भी रोल है, लेकिन बचने की, और जहां तक बात की जा रही है कोयला, इससे जो है कोयला संकट खड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं बिजली बनाने वाली जो कंपनियां हैं 90% कंपनियां जो हैं वो सरकारी कंपनी कोल इंडिया से कोयला खरीदती हैं, केवल 10% कंपनियां जो है प्राइवेट मार्केट से खरीदती हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ा असर न पहले हुआ है और न अब होने वाला है। बिल्कुल, सवाल यही है कि आखिर जिस तरीके का एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस खड़े किए गए, सवाल ये तक कहा गया कि अर्थव्यवस्था क्रैश हो जाएगी, बिजली के दाम बढ़ जाएंगे, उन तमाम चीजों के उलट सवाल ये है कि वो कंपनियां जो इसमें कहीं ना कहीं संलिप्त हैं उनके खिलाफ अब आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्या ये फैसला आगे होने वाले इस तरीके के मामलों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा या साथ ही साथ कंपनियों के लिए एक ऐसा झटका ये बनेगा कि आगे इस तरीके की कंपनियां या इस तरीके के लोग जो इस तरीके के मामलों में संलिप्त रहते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैसेज पूरी दुनिया के सामने इस फैसले के बाद क्या गया है, क्या भारत में अगर इस तरीके का कोई मामला सामने आता है तो उसमें कोई भी नहीं बच सकता, इस तरीके का मैसेज सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार देने में कामयाब रही है। इस कालिक का आखिर में जिम्मेदार कौन है, कौन जिस तरीके के मामले यह सामने आया है 1993 से लेकर 2010 को लेकर, इसका उत्तरदायी कौन है? सरकारें जो अब तक रही हैं वो अब क्या अपनी जवाबदेही से बच सकती हैं? क्या यहां पर जवाब नहीं बनता है कि बताया जाए कि आखिर उन कंपनियों के साथ आगे क्या किया जाएगा? लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, लेकिन क्या आगे अब इन कंपनियों को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा अगर दोबारा से यहां पर एक बार फिर से, जिस तरीके से 6 महीने का यहां पर वक्त दिया गया है उन तमाम कंपनियों के लिए वाइंड अप करने के लिए और साथ ही साथ एक बार फिर से दोबारा यहां पर शुरुआत करने के लिए, सवाल यह है कि ये कंपनियां अब आगे क्या करने वाली हैं और सरकार जिसके पास अब एक पूरा पॉलिसी रिव्यू करने का वक्त है वो अब यहां पर क्या करने वाली है। इसी मतलब पर एमएल शर्मा साहब याचिकाकर्ता जो है वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और विसल ब्लॉवर भी कहा जा सकता है, याचिकाकर्ता है वो भी। एमएल शर्मा साहब, राहत महसूस कर रहे हैं आप इस फैसले को, कितना बड़ा फैसला समझ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला राहत देता है जी, वो राहत देता है आम आदमी को, वो राहत देता है उन ईमानदार लोगों को जो ईमानदारी और प्रिंसिपल के साथ जीते हैं, खड़े रहते हैं और देश को बचाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला करप्ट राजनीतिज्ञों को, इंडस्ट्रियलिस्टों को और भ्रष्टाचारियों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर तैयार होता है।
आज वही हुआ है, जिन्होंने 93 से इस देश के संपदा को लूटते रहे, लूटने की कोशिश की और लूट रहे हैं, उनमें से एक ग्रुप का आज पर्दाफाश होने के साथ साथ उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, एक बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। लेकिन सवाल इसका नहीं है, जैसी सोसाइटी वैसे लोग, वैसे ही लीडर। इसी सोसाइटी के ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसी सोसाइटी के ये राजनीतिज्ञ हैं, इसी सोसाइटी के वकील हैं, इसी सोसाइटी में रहने वाले वो लाखों करोड़ों वोटर्स हैं जो चुपचाप इस सारे साइलेंट को चुपचाप देखते रहे। कुछ लोग आगे आए लड़े, कुछ लोग लड़ेंगे बिल्कुल, और बॉर्डर पे कुछ मरते हैं, बचाते हैं देश को, लोग वहां दो दिन के लिए याद करते हैं, सही चिल्लाते हैं, भूल जाते हैं, फिर उसी में लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी लोग वहां भुला देंगे आने वाले टाइम में, और ज्यादा नहीं विश्वास कीजिए, 2-4 महीने में भी नहीं। एमएलए सर, मेरा विश्वास नहीं, मैं बहुत साफ कह रहा हूं, कुछ होप तो रखनी नहीं, नहीं कोई होप नहीं। एक ऐसी सोसाइटी जो मरी हुई सोसाइटी है, उसमें मैं कोई होप नहीं रख सकता। लेकिन हां, आज मेरे को अगर होप है और विश्वास है तो सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर है, भगवान के ऊपर और न्यायालय के बाद में। अगर मैं किसी पे आज विश्वास कर रहा हूं तो सिर्फ एक व्यक्ति के विश्वास कर रहा हूं। मैंने अप्रैल में भी उस व्यक्ति पर विश्वास किया था और अपने ट्विटर पे साफ कहा था, मोदी विल विन 300+, नॉट बीजेपी। आज अगर मुझे विश्वास है तो सिर्फ एक आदमी पर, जिसको कि हम कहते हैं मिस्टर मोदी, मिस्टर पीएम। क्या आप इन सारी कंपनियों को, करप्ट कंपनियों को जिन्होंने हमारे देश को लूटा, क्या आप इनको दोबारा देश को लूटने के लिए मौका देने के लिए खड़े हैं, या आप इनको ब्लैकलिस्ट करेंगे जिससे दोबारा जिंदगी में कभी भी किसी भी एलोकेशन में, किसी भी ऑप्शन में, चाहे वो कोल ब्लॉक का हो, चाहे आयरन का हो, या किस पानी का हो, इनको कभी भी मौका नहीं दिया जाएगा, इनको पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। क्या ये करेंगे? क्या ये बीजेपी के नेता जो कि पिछले 25 अगस्त से आज तक कोशिश करते आए 46 कंपनियों को बचाने के लिए, अलग अलग दलील दे करके, देश के लोगों को डर दिखा करके, कभी फाइनेंस का, कभी वित्त का, कभी फंड इन्वेस्टमेंट का, कभी बिजली का, ये मोदी जी को रोकने की कोशिश करेंगे? लेकिन फिर मैं कहता हूं, आज इसी चैनल पर कहता हूं, मुझे विश्वास है मिस्टर पीएम, मिस्टर मोदी, आप इनमें से किसी की नहीं सुनेंगे, और आप इन सभी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करेंगे, मेरा विश्वास है और ये मेरा कहना है। ठीक राय साहब, क्या ये ब्लैकलिस्ट किया जाएगा इन तमाम कंपनियों को? क्योंकि बड़े चेहरे जो हैं इस देश के, जो इंडस्ट्री, जो यहां पर तमाम व्यवसायी हैं, बड़े चेहरे हैं जो इन कोल ब्लॉक आवंटन में रहे हैं, अब ब्लैकलिस्ट उन्हें किया जाएगा? और जिस तरीके से एमएल शर्मा साहब यहां कह रहे हैं कि उन्हें आगे कभी मौका नहीं दिया जाएगा या मौका दिया जाएगा, एक बात बता दूं जी, हमारे यहां पिछले 100 साल से ये सिस्टम है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी सिस्टम था, इंडियन गवर्नमेंट में भी सिस्टम था। अगर कोई कंपनी गलत काम करती है, इलीगल एक्शन लेती है, झूठ बोलती है, फ्रॉड करती है, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, जिससे कि वो फर्दर किसी भी एक्शन में, ऑक्शन में, काम में वो हिस्सा ना ले सके। अगर ये सिस्टम चला आ रहा है तो इन 216 कंपनियों को, 16 ब्लॉक जिन लोगों को आवंटन हुए, उनको भी ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। अगर जो कहता है ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाना चाहिए, उस वो बताए ठीक, हमारे देश को लूटने वालों को क्या दोबारा मौका देंगे आप? 46 दिन का आप बात कर रहे थे बचाने का, अमल शर्मा साहब उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं एक बार फिर से। देखिए, जैसा एमएल शर्मा साहब कह रहे हैं, मैं उस बात से थोड़ा सा और पहले जाता हूं। मैंने, चूंकि एमएल शर्मा साहब उस समय डिबेट में नहीं शामिल हुए थे, अगर आपको ध्यान हो तो चुनाव के समय से, चुनाव के पहले से, जैसे कि एमएल शर्मा साहब कह रहे हैं कि मैंने ट्वीट किया था कि मोदी जी को 300 सीटें मिलेंगी, मैं आपको एक जानकारी दूं दोबारा से कि ये नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने अपने चुनावी सभा में खुल करके इस बात को कहा था कि तुम मेरे को मजबूत करो, मैं आने वाले समय में एक ऐसा कानून लेके आने जा रहा हूं, चाहे वो नेता भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, और नेता ही नहीं, उन्होंने सांसदों के लिए कहा, उन्होंने मंत्रियों के लिए कहा कि जिनके खिलाफ भी मुकदमे चल रहे हैं, जिनके खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई हो रही है, लंबी थे उनके खिलाफ मुकदमे, उनको मैं फास्ट ट्रैक में लेके आऊंगा। क्यों शर्मा साहब, मैं अभी तक बात कह रहा हूं सही आप, और चाहे वो
भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो चाहे वो कांग्रेस का हो, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई निश्चित रूप से करूंगा। और उसके मैं विश्वास करूं एक हफ्ते के अंदर अंदर ऑनरेबल मोदी इस चीज को करने जा रहे हैं। मैं आज जजमेंट आ चुका है, मैं पूरी इसके लिए उन्हें ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक घंटे की आवश्यकता है सर। मैं मेरे हिसाब से मात्र 5 मिनट की आवश्यकता है। मैं कल एक लाइन का है वो संदेश दे दें, मैसेज दे दें कि ये सारी कंपनियां जो जिन्होंने करप्शन के द्वारा ये कोल ब्लॉक अलॉटमेंट लिया उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। शर्मा जी देखिए आप एक बहुत बड़े वकील हैं, कोर्ट में बहुत अच्छी जीरा करते हैं। कोर्ट की बात नहीं कर रहा, आपने जो काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं बहस नहीं कर रहा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। एक समाज की आवश्यकता को, एक पूरे देश की डिमांड को पूछ रहा हूं। अगर एक रेपिस्ट को दोबारा मौका नहीं दिया जाता, उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, एक अपराधी को जेल के अंदर इसलिए बंद कर दिया जाता है कि जिससे वो दोबारा अपराध न करे, तो इन लोगों को जिनको तो 218 कोल ब्लॉक मिले हैं, 214 कोल ब्लॉक जिनके रद्द किए गए, क्या इन अपराधियों को आप दोबारा मौका देंगे? दोबारा मौका का मतलब है, मैं अगर मुझे शर्मा जी बोलने दें, क्योंकि ये तो जिरह ऐसे कर रहे हैं जैसे मिलोट सामने बैठे हैं और मैं गुनाहगार हूं, मुझे फांसी देनी है। नहीं, एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे हमारे लिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सर ये मैं अपनी बात पूरी करूं। प्राइम मिनिस्टर आप कहिए इस बात, मुझे ये बात तो पूरी करने दीजिए, अगर आप मुझे बात पूरी करने देंगे तो क्या होगा? ठीक है मैं मुझे समय दिया गया बोलने के लिए, हम ही तीन आदमी ने बोलना है, तो एक बार आप बोल रहे, एक बार मैं बोल रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कोई मिनिस्टर भी यहाँ पे बैठे आज बीजेपी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं है। मैं आपको पूरी बात, आज आप ही हमारे लिए मिनिस्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा कि मोदी जी सीधे तौर पे जो उनका एक्शन दिखाई दे रहा है उसके सीधे तौर पे उन्होंने सीधा कहा कि न मैं लूंगा न मैं लेने दूंगा, आपने भाषण में भी सुना होगा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो बातें कही उस पर प्रतिबद्ध है। अब मैं बात पे आता हूं, जो माननीय शर्मा जी ने कहा कि क्या उनको ब्लैकलिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या उनको इस प्रक्रिया से बाहर रखेंगे या नहीं करेंगे, आज ये फैसला आया है। आज फैसला आने के बाद भारत सरकार के पास ये चीज गई है, और किस तरह से भारत सरकार के, क्योंकि खुद शर्मा जी ये कह रहे हैं कि ये 218 में वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के रीढ़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अलग अलग बिजनेस, न केवल कोल ब्लॉक की बात करता हूं, वो अलग, कोई स्टील में है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में है, कोई कहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी सबको बंटर बात जब हुई तो सब कोयले के अंदर चले गए। साहब मुझे भी दे दिए, चाहे वो कच्चा बनियान वाला आदमी था, चाहे वो स्टील का प्रोडक्शन करने वाला था, चाहे वो कोई भी काम करने वाला था। ये हिंदुस्तान के बिजनेस के रीढ़ नहीं, ये दीमक है जिन्होंने के हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था को चाट लिया। मैं अपनी बात, जो हमारा रुपया जी, अगर मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉलर था, 2 रुपए का 1 डॉलर हुआ करता था कभी, वो आज 60 रुपए का 1 डॉलर है। ये दीमक है हमारी कंट्री के लिए, हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, हमारे फाइनेंसिंग सिस्टम के लिए। मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी बात पूरी कर लूं शर्मा जी भी संतुष्ट रहेंगे, ठीक, और आपको पूरा मौका मिलेगा। शर्मा जी मैं तो आधे घंटे से बोल रहा हूँ, अगला आधे घंटा आप ही बोलना है। मेरा ये कहना है कि अब आज फैसला आया है, सरकार के पास आया है, क्या मैं ये कहता हूं कि क्या सरकार जो प्रतिबद्ध है भ्रष्टाचार के खिलाफ वो निश्चित रूप से इस बारे में सोचेगी। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक तरह से डंडा लेके के बैठा हुआ है, उसने निश्चित कर दिया कि नहीं, आवंटन गलत हुआ है, गलत तरीके से हुआ है, और गलत तरीके से हुए आवंटन में चाहे किसी का 1000 करोड़ रुपया लग रहा हो, चाहे 1 लाख करोड़ रुपया लग रहा हो, चाहे इससे मार्केट क्रैश हो रही हो, चाहे इससे मार्केट उठ रही हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं साहब इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और रोहतगी साहब ने, अटॉर्नी जनरल ने भारत सरकार की तरफ से खड़े होकर के इस बात को कहा, दलील दी है, माननीय शर्मा जी बैठे हुए, उन्होंने दलील दी है कि साहब हम इसको रद्द करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट आदेश करे हम रद्द कर देंगे। दरअसल राय साहब यहाँ पर ये शायद सुप्रीम कोर्ट का डंडा है जो कहीं ना कहीं राज्य को फिर आपको बात करने लिए आता है। एक ब्रेक राय साहब आ रहा हूँ, एक ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं इसी चर्चा पर, एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। तो वही सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद राजनीतिक दलों से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, आइए इस रिपोर्ट में देखिए। देश के बड़े घोटालों में से एक कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर सुना दिया है, जिसमें 218 कोल ब्लॉकों से 214 कोल ब्लॉकों को रद्द कर दिया है। केवल 4 सरकारी कंपनियों के आवंटन को रद्द नहीं किया गया है,
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राजनीति होना लाजमी था। पूर्व कोयला मंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कोर्ट द्वारा उनकी बात मानने पर खुशी जाहिर की है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर किसी तरह की टिप्पणी करने का हमको अधिकार नहीं है और न ही हम कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। मेरी तो एक मांग सुप्रीम कोर्ट से थी, उस मांग को उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये जो कुछ भी विचार किया जाए आवंटन रद्द करने पर न रद्द करने पर, ये विचार 1993 से आवंटित कोल ब्लॉकों पर होना चाहिए। इसको 2004 से 2009 तक न जोड़ा जाना चाहिए। 1993 से लेकर 2009 तक जितने भी कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं उनके गुणों पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। आज से एक महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत दे दिया था कि वो 1993 से ही विचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण का कोल ब्लॉक रद्द होने पर कहना है कि सभी प्राइवेट कंपनियों के ब्लॉक रद्द हुए हैं, चाहे वो कंपनी कोयला निकाल रही थी। जिन कंपनियों को ये अवैध आवंटन किए गए थे उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि चाहे इन्होंने काम भले ही शुरू कर दिया हो, चाहे कोयला निकालना भी शुरू कर दिया हो, लेकिन उनको चार को छोड़कर सबको रद्द करके सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बोला है कि सिर्फ वो वाले खदान जहां पर कोयला निकाला जा रहा है उनको सिर्फ अगले 6 महीने तक काम करने दिया जाएगा। तो वहीं सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह ने पिछली सरकारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और एससी के फैसले के बाद अब सरकार ईमानदारी से काम करेगी। नहीं देखिए, सब ऐसा है, पहली बात तो ये, सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए मैं तो नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। बोल्ड है, कंट्री की इंटरेस्ट में है, इससे लेसन जाता है सिर्फ पुरानी सरकारों के लिए नहीं, आजकल की सरकार के लिए भी, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी, जो भी कुछ करें ट्रांसपेरेंट ईमानदारी के तरीके से और फेयर प्ले से हो। तीन अगर टेस्ट पास कर ले तभी फैसला करें। उन्होंने सोचा जैसे उनके बाप की जागीर है, जिसको मर्जी ले लो, जिसे मर्जी ले लो, जो मिलके आ गया किसी को तो उसका भी केस भी बंद कर दिया और जो नहीं मिलके आया तो उसको चार्जशीट भी कर दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला लिया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताया और कोयले के संकट से बिजली समस्या के लिए आगाह किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है, जो भी डायरेक्शन है, हम उसका सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है सरकार को उस आदेश का पालन करना चाहिए। हमारे देश के अंदर 80% इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट होती है, हमें कोल इंपोर्ट करना पड़ता है विदेशों से, कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर पैदा होंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो सम्मानीय है, उसकी हम इज्जत करते हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताया और धांधली को रोकने वाला कदम बताया। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का आज हम स्वागत करते हैं और आज ये सच्चाई सबके सामने आती है कि इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जिस विषय को लेकर आंदोलन कर रही थी वो सत्य था कि कोल ब्लॉक के आवंटन में इतने बड़े आकार में धांधली और घपले हुए थे। आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर मोहर लगाया है, हम पूरे इस जजमेंट का स्वागत करते हैं। सीपीएम नेता निलोत्पाल बसु ने पहले की प्रक्रिया को गलत बताया जिसका फायदा निजी कंपनियों ने उठाया था। ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि शुरू से ही इस प्रक्रिया में कोई स्वच्छता, कोई पारदर्शिता नहीं थी और जो देखने वाली बात है कि इसमें दोनों सरकार,
मतलब पहले एनडीए सरकार और बाद में यूपीए सरकार भी जो प्रक्रिया जो पद्धति इस्तेमाल किया था उसमें कुछ नजदीकी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम किया गया। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत जरूर किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आगे अब क्या होने वाला है, आगे की राह कैसी होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से यहां पर राय साहब एमएल शर्मा साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए, अब आपके ऊपर उत्तरदायित्व है, एनडीए सरकार पर उत्तरदायित्व है। जैसा कि मैंने पहले कहा उस बात को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं कि ये फैसला इस तरह का फैसला आया है कि इसी फैसले के लिए हम लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। 2000 जब दोबारा सरकार बनी तब से लेकर के और सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी जम करके इसका विरोध किया। अब बात आती है कि ब्लैकलिस्ट किया जाए। मैंने एक बात कही कि आज की तारीख में जिन लोगों को कोल ब्लॉक अलॉट किए गए हैं वो कोई गरीब जनता नहीं थी या कोई आम आदमी नहीं था कि जो जाकर के ले ले। ये एक हिंदुस्तान की, मैंने जब बात कही कि रीढ़ की हड्डी है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, तो उसके पीछे केवल ये नहीं कहना था कि वो केवल कोल में ही काम कर रहे हैं, वो और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कोई स्टील में काम कर रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा है। और अगर मैं एक बात कहता हूं शर्मा जी की बात पर कि अगर हम इसको ब्लैकलिस्ट की प्रक्रिया में जाते हैं, मैं इसका मना नहीं कर रहा हूं शर्मा जी, पूरी बात कहने देना मुझे, कि अगर हम ब्लैकलिस्ट की प्रक्रिया में जाते हैं तो क्या वो कोल ब्लॉक के लिए ब्लैकलिस्ट होंगे या पूरे हिंदुस्तान में जो बाकी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ब्लैकलिस्ट होंगे। दूसरी चीज कि इन्होंने बैंकों से पैसा ले रखा है, अब उस पैसे को इस्तेमाल कोल में किया है या नहीं किया, ये एक अलग विषय है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी आ रही हैं समझ में कि इन्होंने बजाय इसके अंदर कोल ब्लॉक के अंदर इस्तेमाल करने के उन्होंने अलग बिजनेस में भी कर रखा है। तो क्या हम ब्लैकलिस्ट करके, क्योंकि बैंक के अंदर हम जब बात करते हैं जो बैंक एनपी अकाउंट में चले जाते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग में चले जाते हैं, तो नियम ये होता है कि चूंकि ये ब्लैकलिस्ट हो गया है, चूंकि इसका बिजनेस नहीं चल रहा है, चूंकि इसके पास पैसा नहीं है, लिहाजा हम इनसे पैसा नहीं ले पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार किन चीजों में लगी है, कैसे इनसे पैसा निकाला जा सकता है, कैसे इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, मेरी पूरी बात कर लीजिए कि ऐसी प्रक्रिया में क्या होता है। मैं ऐसा मानता हूं निश्चित रूप से भारत सरकार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है वो निश्चित रूप से ऐसे कामों पर नकेल डालेगी। 200 टन का जो एक आंकड़ा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके लिए तो अगर आप पैसा रिकवर करना चाहते हैं वहां से, नहीं नहीं वो तो उसके लिए दिया गया है जो 46 जो माइंस चल रही है 6 महीने के लिए वो रॉयल्टी पे करेंगी, और इस बीच के अंदर जो नया प्रक्रिया होगी कोल इंडिया को रिक्वायर करती है या नए किसी को देते हैं, उस स्थिति में वैसी स्थिति में 265 रुपए क्यों वकील साहब, यही बात है, एडिशनल लेवी है, एडिशनल लेवी लगाई गई है कि आप इसको दीजिए। अब मेरे को एक चीज देखनी है, आपने बात कही ये बात भी मैं कहना चाह रहा था, ये एडिशनल लेवी है लेकिन आज मार्केट में कोल का भाव 3000 रुपए मीट्रिक टन से 6000 रुपए मीट्रिक टन है। क्या आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार कोल की मार्केट वैल्यू इनसे लेगी कि नहीं लेगी, ये चीज अगले 24 घंटे में आप लोगों की ओर से सामने आना चाहिए। देखिए मैं, क्योंकि आम आदमी को, आम आदमी को आज भी कोला 60 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है, यानी 60,000 रुपए मीट्रिक टन के हिसाब से मिलता है, क्या आप इनको फ्री में कोयला देना कंटिन्यू रखेंगे, करप्शन का सबसे बड़ा कारण। आप एक चीज समझिए, क्योंकि मुझे क्यों संदेह है, क्यों मैं कह रहा हूं, आज मैं झगड़ नहीं रहा आपसे, बीजेपी की गवर्नमेंट होते हुए भी जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमने आंदोलन किया सिर्फ इसलिए कि ये करप्शन था, उन्होंने उसके बावजूद भी जो रॉबर थे, जो डकैत थे, जो वास्तव में कोल ब्लॉक को लूट चुके थे और लूट रहे थे, निकाल निकाल के बेच के, जिन्होंने विदेशों में अपना मोटा फंड जमा कर लिया, बैंक बैलेंस बना लिया, उन लोगों को बचाने के लिए एफिडेविट फाइल किया था। इट वॉज द शेमफुल, बट दैट टाइम इज गॉन, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन टू लिसन दैट ऑल्सो, सुप्रीम कोर्ट ने वो सुनने से साफ मना कर दिया, सारे बहानेबाजी खत्म हो गई। बिल्कुल, वो अर्थव्यवस्था में कोई फर्क नहीं आने वाला, और बैंकों से लोन लेकर के इन्होंने कोल ब्लॉक के नाम पे शेयर मार्केट में लगा रखा है, सट्टेबाजी में लगा रखा है, या इन्होंने मैनिपुलेशन करके 200 करोड़ को आपके 8000 करोड़ रुपए दिखा के रखा हुआ है, वो पैसा निकाल के ले गए, तो वो रिकवरी करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, मेरी और आपकी नहीं है, उस नाम पे कि ये बंद हो जाएंगे, आप रिकवरी करना बंद नहीं कर सकते, इनकी जमीनों को, इनके प्राइवेट बैंक बैलेंसों को, इनके पर्सनल हाउसों को अगर आप सीज कर दें और बेच दें तो जितना बैंक का अमाउंट है उससे दुगना पैसा रिकवर हो गया। ठीक ठीक, एमएल शर्मा साहब, नवीन जी
सवाल यह है कि जिस तरह के अमल शर्मा साहब ने यहां पर कहा कि कहीं ना कहीं ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, अगर ब्लैकलिस्ट किया जाता है, पहली बात तो ये कि किया जा सकता है क्या? सवाल ये, देखिए इतना आसान नहीं है किसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना, किसी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है केवल कोल ब्लॉक के ऊपर है, इस पर अभी सीबीआई की जांच चल रही है, ये नहीं भूलना चाहिए। जांच का क्या असर होता है, किस पे आता है, और केवल कंपनियों को क्यों, उन नेताओं को क्यों नहीं जिन्होंने ये इस पर गड़बड़ी में पूरा योगदान दिया? किसने मना किया? हाँ, क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोज होगी, क्योंकि सबसे पहले जब इस पर नोटिस इश्यू हुआ था हमारी पिटीशन पे हुआ था 12 सितंबर को, और 12 सितंबर को हमने यही सुप्रीम कोर्ट में अंदर डिसीजन लिया था, हम थे, हमारे सामने अटॉर्नी जनरल थे, और जो कि आज जज बनकर बैठे हुए मिस्टर नरीमन, ही वाज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ही अपीयर्ड अगेंस्ट मी एंड इट वाई डिसाइडेड, ये निर्णय लिया गया था। सबसे पहले ये निर्णय होगा कि जो कोल ब्लॉक का अलॉटमेंट है ये लीगल है कि इलीगल है। अगर ये कोल ब्लॉक का अलॉटमेंट लीगल है देन देर इज नथिंग लेफ्ट, ठीक, और अगर इलीगल है तो फिर क्रिमिनल लाइबिलिटी उन लोगों के ऊपर आएगी जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, चाहे वो मिनिस्टर हो और तमाम नेताओं की, और तमाम नेताओं के ऊपर आएगी। हूएवर, अभी क्रिमिनल लाइबिलिटी वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, शहनवाज सिंह जो कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं, वो टेक्निकल कुछ खामी यहां पर हमारे सामने आ रही है। शहनवाज साहब, सवाल यह है कि सबसे ज्यादा कोल ब्लॉक आवंटन आप लोगों की सरकार में हुए हैं, 1993 से लेकर 2010 तक का सवाल उठाते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि एनडीए के शासनकाल में भी ऐसा हुआ, एनडीए के शासनकाल से आपको धरोहर में जो चीजें आगे मिली आपने उसे आगे बढ़ा दिया, अब जवाबदेही आपकी सरकार की है, तो आपके जो सरकार में मंत्री रहे उनकी है, सवाल यह है कि क्या पार्टी जवाब देगी और अब उत्तरदायित्व किसका बनता है? देखिए, एक पॉलिसी जब तय होती है उस पॉलिसी को फॉरवर्ड किया जाता है, तो वो चीज उस समय 93 से 2010 तक जिस सरकारों ने इस पॉलिसी को फॉरवर्ड किया और उसी के तहत कोल का आवंटन हुआ, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए यूपीए सरकार ने उसको उसी तरीके से कोल का आवंटन किया। नहीं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है फिर जवाबदेही तो आपकी बनती है ना? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम करते हैं, लेकिन उस समय की परिस्थितियां और बिजली की खपत को देखते हुए, बिजली की रिक्वायरमेंट को देखते हुए लिए जाते हैं, और जो पिछली सरकारों ने जिस पॉलिसी के तहत कोल का आवंटन किया है उसी पॉलिसी को फॉरवर्ड किया गया है। शेख साहब, कितने कोल ब्लॉक के अंदर उस वक्त जो है उत्खनन शुरू हुआ, कितनी कोल ब्लॉक जो है उस वक्त चल रही है, कितनी खदानें चल रही है जिससे बिजली संकट दूर होने वाला था? सवाल ये नहीं है कि आप लोगों ने किस तरीके से आवंटित कर दिया, सवाल उसी चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी, तरीके से समझने की जरूरत है, अमित शर्मा साहब भावनात्मक थोड़ा सा हो रहे हैं, और जाहिर सी बात बहुत बड़ी जीत हासिल हुई आपको। मैं लीगली बात कर रहा हूँ, लीगली ये सिस्टम है थोड़ा सा जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब में ब्लॉक लिस्ट इनको ब्लैक लिस्टेड कर दिए, आज के टाइम में सारा करप्शन इलीगल प्रूव हो चुकी है कि इलीगल है कोल ब्लॉक के अंदर, ये सारी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए कोल ब्लॉक के फर्दर ऑक्शन में और फर्दर एक्शन। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो सिस्टम काम करता है वो एकदम से ऐसे काम नहीं करता है। जांच होगी, पहले पड़ताल होगी, एक पूरा प्रोसेस होता है। माफ कीजिए, वक्त मेरे पास यहाँ पर खत्म हो गया, मैं आपको और ज्यादा वक्त यहाँ पर नहीं दे सकता। सवाल यही है कि आखिर अब आगे किस तरीके से पॉलिसी रिव्यू की जाएगी, और जिस तरीके से यहाँ पर अमल शर्मा साहब ने कहा कि ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए उन तमाम कंपनियों को, सवाल अब सरकार पर है और आगे किस तरीके के फैसले इन कंपनियों के खिलाफ आने वाले हैं उस पर है। और वही सुदर्शन न्यूज का आज का सवाल है, क्या गलत तरीके से कोल ब्लॉक बांटने वाले नेताओं को सजा होनी चाहिए? आप अपने जवाब हाँ या ना में भेज सकते हैं। जवाब के लिए आप SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, SUT लिखें, फिर स्पेस दें, फिर अगर आपका जवाब हाँ है तो यस लिखें, और अगर ना है तो नो लिखें। इस मैसेज को आप 08750047855 पर भेज दें। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं। सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। कल रात 9 बजे के शो से पहले अपनी प्रतिक्रियाएं आप हम तक पहुंचा सकते हैं। वही सुदर्शन न्यूज ने जो सवाल कल आपसे पूछा था, क्या हिंदुस्तान की सेना को चीन से युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, इस सवाल पर जो प्रतिक्रियाएं हम तक आई हैं उसमें ज्यादातर लोगों का मानना है हां, यानी 92% का, और 8% का नहीं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।